बैटरी रिप्लेस होती तो बैटरी पैक का क्या प्राइस होगा लगभग? सो जस्ट हाफ ऑफ द कार है। अरे भैया कितनी? 5 सीटर। तो हेलो दोस्तों, आज हमारे सामने है एम जी की ZS EV। तो इसको हम चलाएंगे, टेस्ट ड्राइव वाली भी कार है ये। तो जो जो फील हो सब बताएंगे, तो वीडियो पे बने रहना और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पुरानी वीडियो भी को जाके देख लो। बलिनों की डिलीवरी है उसकी भी देख लो, सारी देख लो। और ये जो वेरियंट जो हम चला रहे हैं टॉप वेरियंट है ZS EV का, इसकी रेंज कंपनी क्लेम करती है 350 और ये टॉप मॉडल की कीमत है 25-25 के करीब। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो जो फील हो सब बताते रहेंगे लाइन से लाइन। जो इनबिल्ट सेम है वो चेंज भी कर सकते हैं? नहीं सर। रेंज क्या है सर? सर 300-350 जाती है, डिपेंड करता है कौन से मोड पे ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन इको में होंगे तो रेंज 300-350 जाएगी, बट अगर स्पोर्ट्स में होंगे रेंज रेंज जल्दी रहती है। मैक्स स्पीड कैसी है? मैक्स स्पीड सर 150-160 जाती है, बट थोड़ा पिकअप का है, थोड़ा लेट पिकअप लेगा, ये सारी चीज़ें। इको नॉर्मल सब में एक ही स्पीड है? हाँ स्पीड सर, बस वो ये ना सर पिकअप का है कि उसमें थोड़ा लेट आपको लगेगा, पंच नहीं होगा तो। अभी तक जहाँ तक हमने गाड़ी चलाई इससे तो दो तीन चीज़ पता चली। सस्पेंशन बहुत बढ़िया है इस गाड़ी के, और साथ ही में ना इसका स्टेयरिंग इतना स्मूथ है ना, और प्रीसीजन एक नंबर का इसके स्टेयरिंग का। और बाकी रोड नॉइस नहीं है इतना बिल्कुल ही, हल्का सा एसी का साउंड आता है वो भी शीशे नीचे करोगे तब, बाकी तो गाड़ी बढ़िया चल रही है। रेटिंग भी इस कार पे? रेटिंग वो कलर पे डिपेंड करता है। वाइट कलर कितना टाइम दे रहे हैं? वैसे स्टैंडर्ड 6-8 वीक्स है, बट अगर स्टॉक में होगी तो इमीडिएट मिल जाएगी। और इस कलर का? इसका भी 6-8 वीक्स है सपना, तो सपना अराउंड 2 मंथ है। और इसमें कलर कौन कौन से? तीन ही है ना लेके आते हैं? तीन है, ब्लू वाइट एंड रेड, एक ये और वाइट एंड रेड ऑप्शन। ब्रोशर में है क्या आपके अभी रेड इसका? रेड को भी देखा नहीं सर को, सेंड किया हूं आई थिंक। ठीक 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 पीडीएफ कर दूंगा। अभी एक चीज़ और ध्यान में आई, हमने नेक्सॉन भी चलाई है Nexon EV, तो Nexon EV का स्पोर्ट्स मोड इसका इको मोड बराबर है। नॉर्मल मतलब ये आपको एक्सपीरियंस है कि जो नॉर्मल गाड़ी आप चलाते हो उसकी? हाँ। स्पोर्ट्स मोड को ज़्यादा ही पिकअप है। और इलेक्ट्रिक कार है, 350 Nm का टॉर्क है, 160 PS की पावर है, तो हिसाब से पंच तो एक नंबर का है गाड़ी में। हल्का सा भी किसी को ओवरटेक करना तो हल्का सा एक्सीलरेट गाड़ी आगे। एक चार्ज रीजन में कितना मतलब डाउनहिल में जैसे ये ज्यादा प्रोड्यूस करेगी? हाँ। एक रीजन में कितना टाइम लगेगा 1% अगर आप ट्रैफिक में तब भी? सर 1% तो नहीं, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये किसमें ड्राइव मोड नॉर्मल मोड में बहुत पिकअप है भाई, वही मैं पूछ वहां यहां पे चेक करियो वापस आते समय स्पोर्ट्स मोड में है, मतलब तू डर जाएगा। डरा तो नहीं क्योंकि मैंने ज्यादा एक्सेलरेटर दिया नहीं, लेकिन डर जाएगा इतनी गारंटी है। इतनी की आदत नहीं होगी पर भैया कौन सी ले लो अब बताओ। अभी तो ये बताएगा ये Nexon वाला चला वाला क्या है और ऐसे इंडिविजुअल इस जर्मन टाइप का उल्टा दे रखा है इंडिकेटर। MG की बनती कहाँ है सारे पार्ट्स? सर MG की अभी ये जो कार है वो असेंबल हो रही है। हाँ हाँ। गुजरात में। अच्छा गुजरात। बाकी हेक्टर प्लस सर प्योरली मेड इन इंडिया है। अच्छा अच्छा। तो इसके मोटर्स इंपोर्ट होते हैं? हाँ सर, एक्चुअली बैटरी भी किसी भी बैटरी उसके ईवी की कोई भी हो इंडिया में सारी सर इंपोर्टेड है। तो सर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। बैटरी क्या कितनी वारंटी है इसकी?
सब 1.5 लाख किलोमीटर और 8 इयर्स की वारंटी है जो भी पहले हो जाए। चार्जिंग साइकिल कितनी देती है देगी मतलब मतलब उसके बाद आपको कितना लगता है कितने परसेंट डाउन होगी सर? उसके बाद 30% तक ग्रीन होगी बैटरी। लाइक अभी 300 दे रही है रेंज देन 200 8 इयर्स में। हाँ मैक्सिमम बता रहा हूँ सर मैं। इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के लिए तो कोई इसके बराबर का नहीं, जिस रेंज में आ रही है परफॉर्मेंस वाइज कोई नहीं इसको बीट कर सकता। 100-110 ऐसे ही चढ़ जाती है विदाउट स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में और जल्दी चढ़ती है। पूरी ब्लाइंड वो नहीं है, ब्लाइंड साइड नहीं होगी पूरी हो जाती है। यही जाली वाली सी झटके क्यों लग रहा है? रीजन थर्ड पे सेट है इसलिए एकदम से रेस दोगे वो जब छोड़ोगे ना क्लच को ज्यादा ही नॉर्मल में कर देता हूँ कर्स को देन फिर नॉर्मल कार्स की तरह हो जाएगा। एक बार अगर वो ट्राई करें ना आप देन फील करेंगे बिकॉज हेक्टर प्लस काफी स्पेशियस है देन अल्ट्रा। हेक्टर प्लस तो नहीं चलाई सर, चलाना तो पहले तो कम्फर्ट होता है सर। उसके लिए सर मैं 5 इयर्स आरएस प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट आप यहाँ से जो की दी हुई है स्टार वाली उससे इंटरेक्टिव कॉल होती है प्रेस करेंगे विद इन 30-45 सेकंड्स में आपके पास कॉल बैक आएगी देन वो आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे जो भी। और ये पेड होगी आरएस से पर नहीं सर फ्री ऑफ कॉस्ट 5 साल के लिए उसके बाद ये बट उसका कंडीशन ये रहेगी कि ईयर में 2 टाइम्स बैटरी अगर ड्रेन होती है आपकी तो आप कॉल कर सकते हैं स्पीड ईयर में 2 बार। I'm here. Open the sunroof. Oh, अच्छा और सिर्फ मेरे को सिर्फ शेड ऑन करना है तो सीट के लिए तो आपको मैनुअली बटन इतनी वो नहीं बंद कर बंद कर सारी एसी चलने निकल जाएगी। हेलो मैम जी हाय हाउ कैन आई हेल्प? क्लोज द सनरूफ। इतना ही खुलेगी इतना ही होता है ये तो कॉमन रूफ हो गया ना पैनोरामिक है। क्लोज द सनरूफ। ओए होए आपको कितना ट्रेन हुई हमने उस टाइम पे म्यूजिक का था देख ली 10 रुपए में ये देती है हमें लगभग लगभग वो क्या कहते हैं 3-1% कितना बताया आपने कितना 44.5 यूनिट लेंगे 44.5 हाँ यानी ये 2-2.5-2 रुपए के आसपास पड़ रही है 1 किलोमीटर। लेकिन इनिशियल कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा है। और भैया अगर बैटरी रिप्लेस होती तो बैटरी पैक का क्या प्राइस होगा लगभग? सर जस्ट हाफ ऑफ द कार है। अरे भैया इतने ये तो फिर मतलब वो इतने तो मैं मतलब 8 साल में पैसे भी नहीं वसूल पाऊंगा गाड़ी से। वसूल लेंगे सर ऐसा कुछ नहीं कि नहीं वसूल पाऊंगा।
तो देख लिया होगा कि हमने जिस हिसाब से गाड़ी चलाई परफॉर्मेंस तो गाड़ी बहुत बढ़िया है। अगर ब्रेकिंग की बात करें तो 4 डिस्क आती है तो ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है, गाड़ी स्टेबल रहती है ब्रेक लेने पे भी, और इस हिसाब से गाड़ी बहुत बढ़िया लगी। तो सस्पेंशन वाइज और बस एक ये है कि प्राइस थोड़ा महंगा है पर गाड़ी बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी गाड़ी में। बस यार एक और चीज़ कह सकते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक ग्रीन 350 400 और बाकी सुपर चार्जर चार्ज करोगे तो 1 घंटे मैक्सिमम चार्ज कर देती है, वो भी ठीक ही है। बाकी एक पावर का चार्जर आपके घर में इंस्टॉल करके देते हैं अभी वाले फ्री में। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चैनल सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।